नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। राजस्थान से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोनी लाल मीना ने शनिवार को कांग्रेस के बीच चल रही गुटबाजी की चिंगारी को हवा दे दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही अदावत को लेकर उन्होंने कहा कि पायलट को अपमान सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा यदि सचिन पायलट स्वाभिमानी हैं तो पुख्ता तरीके से जवाब दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा और गद्दार कह रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस की नजर से सचिन पायलट गद्दार और नकारा हैं, तो ऐसी अपमानजनक स्थिति में उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए और कोई न कोई निर्णय खुद के लिए और पूर्वी राजस्थान के हित में लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सचिन पायलट खुद निर्णय करें कि वह आप में जाएंगे तो बीजेपी और बसपा को अपनाएंगे या फिर खुद की पार्टी बनाएंगे, लेकिन यदि स्वाभिमानी है तो जवाब जरूर देना चाहिए। इस दौरान सांसद किरोनी लाल मीना ने इस कांग्रेस के झगड़े पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता सैंडविच बनी हुई है, प्रशासन बेलगाम हो चुका है, भ्रष्टाचार चरम पर है और आम जनता त्रस्त है। किरोनी लाल मीना ने इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता अभी तीसरे मोर्चे पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए तीसरे मोर्चे का कोई स्कोप है ही नहीं।